बता दें कि थाना क्षेत्र तरवलिया के गोजी निवासी हरिंद प्रजापति काफी दिनों से नंदना बाजार में रहते थे। आज दोपहर में उनका पुत्र चंद्र प्रजापति 6 वर्ष घर के पास ही टहल रहा था कि अचानक नंदना बाजार से तरवलिया की तरफ आ रही तेज रफ्तार मोपेड की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने मोपेड चालक को पकड़कर 112 नंबर पुलिस को सूचना दिया और तत्काल 108 नंबर पर डायल किया। एम्बुलेंस द्वारा उसे नजदीकी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रिफर कर दिया। सूचना मिलते ही अतुल्य थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मोपेड सवार व्यक्ति को मोपेड को कब्जे में लेकर थाने भेजा। घायल चंद्र प्रकाश माँ बाप का इकलौता पुत्र था, जिसके हर दो बड़ी बहनें हैं। पिता हरिंद प्रजापति मजदूरी का कार्य कर परिवार का खर्चा चलाता है, तो वहीं माता पिता रीता देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। रीता देवी रोते बिखलते जहाँ 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 तहाँ बेहोश हो जा रही है, तो वहीं बहनें भी दहाड़े मार मार कर रो रही है। इस घटना से पूरे बाजार के लोगों को आक्रोशित थे। समाचार लिखे जाने तक पीड़ित की तरफ से कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई थी। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा। मोनू कुमार, अचलीपुर के। क्या घटना हुई इसके बारे में, तो क्या देखे थे आपने? लड़को उल्टे साइड में लड़कों को आके ठोक दिया, पी रखा था, वो भी बोल रहा नींद में आ रहे थे, बाइक चला रहा था, उल्टे साइड बाइक से ठोका। कैसी गाड़ी थी उसकी? डिक्की थी। तो क्या हुआ, लड़का कैसा घायल हो गया? लड़का घायल हो गया, सीरियस है, मरने में मर जाएगा लग रहा है। कहाँ गया वो? आजमगढ़ सदर में लेके गए। क्या लड़कों को पकड़ा, क्या इसके बारे में बताओ कुछ? लड़कों को पकड़े तो वो उसका गार्जियन को नंबर मांग रहा था, गार्जियन का नंबर दिया, गार्जियन को बुला रहा था, गार्जियन नहीं आया। कोई पुलिस आई क्या थी? पुलिस आई, पकड़ के लेके चली गई उसको, कुछ नहीं कार्रवाई की। कार्रवाई हुई, आप लोग तहरीर दे रहे हो? यस सर।